नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी नई YouTube वीडियो में। मारुति सुजुकी ने 18 अगस्त को अपनी अल्टो पेटेंट को लॉन्च कर दिया है। अगर आप चाहें तो इसकी बुकिंग्स करा सकते हैं 11,000 रुपये की टोकन अमाउंट देकर। आज की वीडियो में हम इसके इंजन से रिलेटेड, इसके न्यू फीचर से रिलेटेड, इसकी न्यू लुक से रिलेटेड बहुत सारी बातें करेंगे, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। और मारुति ने इसमें एक नया एडिशन लॉन्च किया है, जिसे हम एडिशन तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक मस्त मसालेदार मक्खन जैसी चीज़ लॉन्च की है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो की। इंजन से शुरुआत करें तो मारुति सुजुकी अल्टो K10 2022 में आपको 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि 67 BHP की पावर जनरेट करता है एंड 89 Nm का टॉर्क निकालता है। 5-speed मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आपको देखने को मिल जाता है विद AGS ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। माइलेज की बात करें तो मारुति सुजुकी सेलेरियो वाली ही आपको माइलेज देखने को मिल जाती है 24.90 KMPL की। और सबसे बढ़िया बात है, ये आपको 1,00,000 सस्ती मिल जाती है मारुति सुजुकी सेलेरियो से। चलो ये तो हो गई इंजन की बात, अब बात कर लेते हैं इसके लुक्स से रिलेटेड। फ्रंट में आपको काफ़ी बड़ी सी ग्रिल देखने को मिल जाती है और उसके नीचे आपको एक छोटी सी, एक स्लीक सी ग्रिल देखने को मिल जाती है, जो कि इसे थोड़ी स्पोर्टी सी लुक दे रही है। फ्रंट में आपको हैलोजन का ही सेटअप मिलता है। इसकी हेडलाइट्स में आपको फॉग लैंप का कोई भी प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। जो इसके बम्पर का डिज़ाइन, वो आपको काफ़ी हद तक डैटसन रेडिगो जैसे देखने को लगेगा। और फ्रंट हेडलैम्प की बात करें तो आपको फुल्ली हैलोजन हेडलैम्प देखने को मिलने वाले हैं। साइड वाइज बात करें तो यहाँ पर आपको अलॉय व्हील का तो कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता, इसके टॉप मॉडल में भी नहीं, लेकिन हाँ आप चाहें तो एक्सेसरीज़ में ले सकते हैं। फेंडर पर आपको हैलोजन इंडिकेटर मिल जाएगा। बॉडी कलर आपको हैंडल्स देखने को मिल जाएंगे। ORVM आपको मैट ब्लैक कलर में मिल जाएंगे, कहीं पर भी आपको क्रोम का पार्ट नहीं मिलेगा। रूफ रेल की तो यहाँ पर कोई ज़रूरत ही नहीं थी, इसलिए मारुति ने यहाँ पर रूफ रेल भी नहीं दी। और अगर आप बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में इसमें मारुति ने खेल खेला है, काफ़ी आपको बॉक्सी सी लगेगी, जिससे आपको एक थोड़ी ऊंची ऊंची सी लगेगी, मारुति एसक्रॉस जैसी आपको थोड़ी सी लुक लगेगी। लेकिन हाँ, जो इसकी बैक साइड की टेल लैंप है, उसका डिज़ाइन आपको सेम सेलेरियो जैसा लगेगा, आपको थोड़े उसकी याद दिलाएगा। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, 160 mm का आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। टोटल 6 कलर ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें 3 कलर ऑप्शन एकदम न्यू है। पहला नाम आता है सिजलिंग रेड, स्पेडी ब्लू एंड अर्थ गोल्ड, ये 3 न्यू कलर ऑप्शन है। इंटीरियर में जाने से पहले इसके एक न्यू एडिशन के बारे में बात कर लेते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। एक्चुअली ये कोई एडिशन नहीं है, ये है इसका एक्सेसरी पैक, जिसमें आपको क्या क्या मिल जाता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसमें आपको फ्रंट में ऑरेंज कलर के कुछ ऐसे पार्ट्स मिल जाते हैं, ये इसके एक्सेसरीज के पार्ट हैं। साइड में आपको 13 इंचज के अलॉय व्हील मिल जाते हैं, जो कि डायमंड कट एंड डुअल टोन फिनिशिंग के साथ आपको मिलते हैं। और हाँ, ORVM पर भी आपको ऑरेंज कलर का पार्ट मिलता है। बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में भी आपको बम्पर पर कुछ ऑरेंज कलर के पार्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि इसे एकदम बोल्ड सी लुक दे रहे हैं। इंटीरियर में भी आपको इसमें कुछ एक्सेसरीज मिल जाती हैं, वहाँ पर भी आपको ऑरेंज कलर के कुछ ऐसी फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी फ्रंट में एंड रियर में। सीट्स के ऊपर भी मिल जाएंगे, सीट्स कवर भी मिल जाएंगे। एक्सेसरी पैक का नाम रखा गया है इम्पैक्टो। अब बात कर लेते हैं इसके इंटीरियर की। फुली ब्लैक आपको इंटीरियर मिल जाता है, जहाँ पर आपको जगह जगह पर सिल्वर की फिनिशिंग मिल जाती है, जैसे इसके स्टीयरिंग व्हील में, और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी आपको टॉप मॉडल में मिल जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको फुली डिजिटल मिलता है, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का ऑप्शन मिल जाता है आपको। ड्राइवर साइड का डैशबोर्ड कुछ ऐसा आपको देखने को मिलने वाला है, और को पैसेंजर साइड का डैशबोर्ड आपको कुछ ऐसा मिलता है। बीच में आपको 7 इंचज की टच स्क्रीन देखने को मिल जाती है। फ्रंट 2 पावर विंडोज़ मिल जाती हैं, और बैक साइड में सिंपल वाली, यानी कि वो हाथ से घुमाने वाली। बीच में आपको काफ़ी बड़ा सा हम्प मिल जाता है बैक साइड में, जिससे गाड़ी सिर्फ 4-सीटर के ऑप्शन में ही आपको मिलती है। और हाँ दोस्तों, एक्सेसरीज में आपको इसमें मैट्स भी मिल जाते हैं, वो भी एक्सेसरीज पैक में ही आपको मिलते हैं, ऑरेंज कलर की फिनिशिंग के साथ। वेरिएंट्स की बात करें विद प्राइस, जहाँ पर मैं AGS कहूँगा, यानी कि ऑटोमेटिक गियर बॉक्स सिस्टम है, तो STD मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 3,99,000, LXI मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 4,82,000, VXI मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 4,99,000, VXI AGS यानी कि ऑटोमेटिक गियर बॉक्स सिस्टम के साथ आपको 5,49,500 एंड VXI मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 5,33,500 एंड VXI प्लस
AGS यानी कि ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स सिस्टम के साथ आपको 583,500 की एट शोरूम प्राइस में आपको पड़ जाता है। यानी कि न्यू अल्टो K10 का स्टार्टिंग प्राइस है 399,000 एंड टॉप मॉडल का प्राइस है 583,000 एट शोरूम। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड एक छोटा सा कमेंट जरूर कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।